कि सुलेमान ने जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया तो मंदिर के बाहर जो है यानी पवित्र स्थान के बाहर जो है उसने दाहिने और बाएं दो पीतल के बड़े बड़े खंभे बनाए और उन खंभों के नाम भी रखे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 14वें पद से सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह के सिर के बालों के विषय में और उसकी आंख आग की ज्वाला है, इसके आग की ज्वाला के समान है, इसके विषय में हम लोगों ने सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 15वें पद से। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 15वां पद, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यहां पर जो है दो बातें हैं। पहली बात कि उसके पांव जो थे उत्तम पीतल के समान थे जो तपाया गया हो, और दूसरा है कि उसका शब्द जो था बहुत जल के शब्दों के समान था। जैसे जल जब बहता है झरने का हो या किसी भी चीज का जो है झरने का पानी जब बहता हो किस तरीके से वो होता है, इसको हम आगे वर्णन करेंगे। मगर ये दो बात है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक या भविष्यवाणी की कोई भी पुस्तक जिसमें अगर कोई भी चीज दी है, मान लीजिए किसी मनुष्य के बारे में अगर कोई डिटेल से सारी बातें बताई जा रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उन सारी बातों का, चाहे वो उसके कपड़ों का हो, चाहे कपड़ों के रंग का हो, चाहे बालों का हो, चाहे उसके नाखून का हो, उसके पैरों का हो, हर चीज का अगर वर्णन किया जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है हर एक भेद जो है उसकी हर चीज से खोलना चाहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसे पिछले संदेश में हमने सीखा था कि उसका सर और उसके बाल जो है बिल्कुल सफेद है और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, यानी कुछ ना कुछ भेद इसके अंदर छुपा है। अब यहां पर जो है कि सिर्फ एक पद में सिर्फ इतना ही कह देना कि उसके पांव जो थे पीतल के समान थे और ऐसे पीतल के समान जैसे तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जलों के शब्द के समान था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ भेद इसके अंदर भी छुपा हुआ है। तो इन सारी चीजों को जो है वो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सर्वप्रथम जो पीतल का प्रयोग किया गया है, पीतल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 22 पद में है। यहां पर जो था कैन के वंश का जो पुत्र हुआ है, कैन के वंश से, उसका नाम लेमेक है, लेमेक की दूसरी पत्नी, लेमेक ने दो शादी की थी और उसकी दो पत्नियां थी, उसकी जो दूसरी पत्नी थी सिल्ला से तुबेल कैन पैदा हुआ और तुबेल केन जो था पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ, यानी उसका उत्पादक हुआ। पीतल के हथियार बनाना और लोहे के हथियार बनाने का जो सबसे पहला जो वर्णन हुआ है। उसके बाद अगर आप बाइबल में पीतल के बारे में पढ़ेंगे तो पीतल के बारे में बहुत कुछ वर्णन दिया गया है। आप निर्गमन की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इसके इन पुस्तकों के अंदर जो है पीतल का बहुत वर्णन किया गया है। पीतल का वर्णन जो है जैसे परमेश्वर के जब मंदिर को बनाया जा रहा था, परमेश्वर के मंदिर को बनाने का जो वर्णन है उसके अंदर बहुत ज्यादा पीतल का सामान, लोहे का सामान, लोहे का तो इतना नहीं था जितना पीतल का और सोने का और चांदी का जो सामान था उसका जो निर्माण किया गया है, उसकी जो चीजें बनाई गई हैं वो इन चीजों से बनाया गया है। पीतल जो है दो चीजों से मिलकर बना है, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, और पीतल जो है लंबे समय से सोने के समान दिखने वाला जो है एक पदार्थ है और ठोस पदार्थ जिसको हम कहेंगे वो है। और इस तरीके से पीतल को जो है पवित्र स्थानों में रखा गया है, और सिर्फ पवित्र स्थान में नहीं, जब भी इन लोग लड़ाई के लिए हथियार बनाते थे, जैसा उत्पत्ति 4:22 में है, तुबेल केन के बारे में है, तो जब हथियार बनाते थे तो हथियार जो बनाया जाता था वो पीतल के भी हथियार बनाए, जैसे लोहा हो गई, बर्ची हो गई और झिलम हो गई, जो
छाती पे पहनते थे, ये सारी चीजें जो थी ये पीतल की बनाई जाती थी। मगर परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, जब आप गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 4-9 पद तक पढ़ेंगे, जब इजरायली पाप करने लगे, बुराई करने लगे और परमेश्वर उनसे नाराज हो गया और उनके बीच में उसने जो थे विषैले सांप भेज दिए। अब जब वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे, मूसा भी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, तब उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप जो है वो बनाकर ऊंचे पे टांग दिया जाए और जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। तो वहां पर जो है पीतल का सांप बनाया गया और पीतल का सांप बनाकर जो है वो ऊंचे पे टांगा गया और जब जो भी जिसने भी उसको देखा वो जो था उससे पाप से या मान लीजिए जो उनके बीच में मृत्यु आई थी उससे वो बच गया। और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है ये दर्शाया जाता है कि ये यीशु मसीह के चढ़ाए जाने का प्रतीक है कि वो मनुष्यों के पापों को लेकर जो है वो क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जब आप यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रीति से मूसा ने पीतल का सांप जो है बनाकर ऊंचे पे चढ़ाया गया। तो सांप क्या है? बुराई का एक प्रतीक है जो पाप को दर्शाता है और यीशु मसीह हम सारे मनुष्यों के पापों को लेकर कहां चढ़ गया? वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। तभी पौलुस एक बड़ी अच्छी बात कहता है, जब आप पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए क्रूस की जो कथा है वो क्या है? नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता हो सकती है, मूर्खता है भी नाश होने वालों के लिए, परंतु जो उद्धार पाने वालों के लिए है वो परमेश्वर की सामर्थ जो है वो ठहरती है। पौलुस बड़ी अच्छी बात लिखता है। और दूसरी बात यहां पर जो है, पीतल का सांप जो टांगा गया था, इजरायली क्या करने लगे थे? इजरायली उस पे धूप बत्ती अगरबत्ती और जने क्या क्या चीजें चढ़ाते थे और उसकी आराधना का सिस्टम उन्होंने बना लिया था। इसलिए जब आप दूसरा राजा 18 अध्याय 1-4 तक पढ़ेंगे तो यहूदा का राजा जो हिचकिया हुआ है उसने पीतल के सांप को जो है जो मूसा ने बनवाया था उसको इस कारण से चूर चूर कर दिया था कि जो वहां पर लिखा ना कि उनको चूर चूर कर दिया क्योंकि इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। नहुशतान, नहुशतान का अर्थ होता पीतल का टुकड़ा। कि उसने क्यों उसका नाम नहुशतान रखा? इसलिए कि वो है तो पीतल का टुकड़ा, वो कोई देवता नहीं है, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो एक मामूली सा पीतल का टुकड़ा है और जिसकी वो आराधना कर रहे थे और जिस पर वो धूप जलाते थे और ये पाप गिना जाता था इज़राइल के अंदर और ये पाप जो थे वो इज़राइली लोग कर रहे थे। इसलिए जो हिजकिया राजा है उसने उस पीतल के सांप के टुकड़े टुकड़े यानी चूरा चूरा करके और उसको बिखेर दिया। फिर है परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य 1:15 पढ़ेंगे तो यहां पर जो पीतल का अर्थ है वो बिल्कुल अर्थ है कि उसके पांव पीतल के समान थे। क्या लिखा हुआ है यहां एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे, यहां लिखा है कि उसके पांव पीतल उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। यहां पर कोई ऐसा वैसा पीतल नहीं, उत्तम पीतल के समान, एक चोखा पीतल, एक बहुत उत्तम बहुत अच्छा वाला पीतल जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पांव जो है वो उसके समान दिख रहे हैं झलकाए हुए। अब यहां पर इन अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर 2 पद पढ़ना चाहूंगा, मतलब आपको रेफरेंस कई मिलेंगे परंतु पद जो है वो सिर्फ 2 पढ़ना चाहूंगा। पहला राजा 7:15-22 तक, मैं इसका सिर्फ 21 पद पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिने ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआस रखा। अब मैं दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका 15-17 पद तक जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, परंतु मैं इसका 17वां पद पढ़ रहा हूं। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खंभे का नाम यकीन और बाएं खंभे का नाम उसने बोआज रखा। अब यहां पर ध्यान देना कि सुलेमान ने जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया
तो मंदिर के बाहर जो है यानी पवित्र स्थान के बाहर जो है उसने दाहिने और बाएं दो पीतल के बड़े बड़े खंभे बनाए और उन खंभों के नाम भी रखे। देखिए ध्यान देने की बात है, उसने उनके नाम भी रखे, याकीन और बुआज नाम जो था वो रखा। अब इनका नाम का जो मतलब है वो क्या है पहले समझ लीजिए। पहले हम दाहिने वाले खंबे का नाम जो है याकीन रखा, उसका नाम है वे स्थिर रखे, उसका जो अर्थ है बुआज। दूसरे बाईं ओर वाले खंबे का नाम था बुआज, बुआज का मतलब होता है उसी में बल है। ये उस यरूशलम के मंदिर की बात है जो परमेश्वर ने बनवाया था, परंतु हम बात करेंगे स्वर्गीय यरूशलम की। देखिए यहां पर जो है सुलेमान ने बनाया है, परंतु यहां पर जो बात हो रही है, जो दर्शन की बात हो रही है, ये स्वर्गीय यरूशलम जो स्वर्ग में है उसकी बात हो रही है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 22 पद। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु और मेमना उसका मंदिर है। अब ध्यान दीजिएगा, मंदिर की बात हो रही है, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया है उस मंदिर में उसने दाहिने और बाईं ओर जो है दो पीतल के, उत्तम पीतल के खंभे बनाए और उन खंभों, दोनों खंभों के नाम रखे। अब जो स्वर्गीय यरूशलम है, जो स्वर्ग में है, जो नई पृथ्वी पर और नए आकाश के नीचे उतरेगा, वो नए यरूशलम, उस नए यरूशलम का जो मंदिर है वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी उसका मंदिर है। परंतु यहां पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय जो मंदिर है या स्वर्गीय जो भी चीजें हैं सब इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी मंदिर बना, चाहे सुलेमान के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो मूसा के द्वारा बनाया गया हो, वो सारी स्वर्गीय वस्तु का नमूना है यानी प्रतिरूप है, वो असली चीज नहीं। असली जो चीजें हैं वो स्वर्गीय मंदिर के अंदर है, स्वर्ग के अंदर है, और वो उन असली चीजों का जो नमूना है वो इस पृथ्वी पर दिखाई देता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल साफ इन बातों को क्लियर रखा। निर्गमन 25 का 40 पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर लिखा, और आप उसको भी पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा स्वर्गीय वस्तु का जो है वो नमूना है। यहां पर जो है ये स्वर्गीय यरूशलम की बात जो है यहां आ रही है। प्रकाशित वाक्य में जो यीशु मसीह के उत्तम पांव जो है ये उन्हीं दो खंभों का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के जो उत्तम जो दो पांव को दिखाया पीतल के समान, ये स्वर्गीय यरूशलम के उन दो मंदिरों के खंभे के बारे में दिखाया गया है। दो खंभे जो है उस मंदिर के बारे में जो है वो दिखाया गया उत्तम पीतल के समान है। अब उत्तम पीतल के समान क्या है, यहां पर लिखा ना, परमेश्वर का वचन कहता है कैसे उत्तम पीतल के समान है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है, जरा ध्यान दीजिएगा इस विशेष बात के ऊपर कि सबसे पहला खंभे का मतलब क्या है, यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर या आधार पर जो है वो मंदिर जो है वो टिका हुआ है। अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर की बात जब हम करते हैं तो हम क्या हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और हम किसकी बॉडी हैं, हम यीशु मसीह की बॉडी हैं। हम जब यीशु मसीह की बॉडी, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यकीन शब्द है। देखिए पहला जो दाहिना पीतल का खंभा था उसका नाम था याकीन, वे स्थिर रखे, अर्थात यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्गीय यरूशलम में स्थिर रखेगा। इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, यीशु मसीह के जो है पांव का जो वर्णन दिया गया है वो पीतल के समान ऐसे ही नहीं है। पीतल के समान पांव होने का मतलब उसका अर्थ है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों को, वो कहता ना यरूशलम में जितने भी यरूशलम के लोग हैं, जब इस पृथ्वी के यरूशलम की बात कर रहा हूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी उसके लोग हैं वो उनको फिर से यरूशलम में वापस लाएगा और स्थिर रखेगा। और ये ऐसा हुआ भी है और हो रहा भी है कि जितने भी इजरायली दुनिया में इधर उधर तितर बितर फैले हुए थे सब यरूशलम में आकर इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत से आ चुके हैं और वो प्रभु यीशु मसीह उनको स्थिर जो है वो कर रहा है। और यहां पर जो नई यरूशलम की बात है, यहां पर इजरायली तो होंगे होंगे, परंतु परमेश्वर के वो लोग भी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और अपना जीवन उन्हें देते हैं। एक बड़ी भीड़ जो है वो उस यरूशलम में होगी, प्रभु सबको जो है उस यरूशलम में स्थिर रखेगा। दूसरा जो है यहां पर उसका नाम है बुआज,
बोआज का मतलब होता है उसी में बल है, अर्थात यीशु मसीह बल अर्थात शक्ति और सामर्थ्य के साथ राज करता है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जो है हमारा बल है। कहते हैं ना भजन संहिता में दाऊद कई बार कहता है परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी सामर्थ है। तो परमेश्वर कौन? जब हम नए नियम में आते हैं तो वो यीशु मसीह परमेश्वर है जो हमारा बल है, जो हमारी सामर्थ है, और वो हमें बल और सामर्थ देता है। और वही बल और सामर्थ के द्वारा हम क्या करते हैं, शैतान की शक्तियों पे विजय प्राप्त करते हुए यीशु मसीह के राज में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करी और अपने उसी बल के द्वारा, उसी शक्ति के द्वारा जो यहां पर जो है वो दिखाया गया। तो यहां जो यीशु मसीह के पीतल के समान पैरों का जो वर्णन है वो इन दो चीजों को दर्शाता है। और सबसे पहले कि वो स्थिर रखेगा, यानी प्रभु में हमें स्थिर रहना है। दूसरा वो क्या करता है, वो बल है, हमारा बल है, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ है, कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उसी में जो है परमेश्वर की सारी सामर्थ यीशु मसीह में वास करती है। तो वो दोनों चीजें जो है हमारे जीवन में कैसे उतरती हैं, जो दर्शाई जा रही है। ये हम बहुत से लोग जो है इन पदों को पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, अरे यार पीतल के समान है, इसका मतलब क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है। एक दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहना, और प्रभु यीशु मसीह में जो है वो अपने इन्हीं दोनों पैरों पर और इन्हीं दोनों चीजों के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया तो उसके पैरों को कोई हिला नहीं सका, वो दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहा। वो उसने यातनाएं सही, उसने कांटों का मुकुट पहना, उसने 39 कोड़े सह लिए, उसने हाथ पैरों में कीले सह ली, परंतु वो दृढ़ता पूर्वक जो था, उसकी जो धार्मिकता, उसकी जो आत्मिकता थी, और उसका जो हम लोगों को उद्धार यानी सालवेशन देने की जो सामर्थ और शक्ति थी वो दृढ़ता पूर्वक बनी रही। उसको शैतान जरा सा भी टस से मस नहीं कर पाया और वो दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहा। ये इन चीजों को भी दर्शाता है, इन चीजों को भी हमें समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कहा है दूसरी जो बात वहां पर लिखी है कि उसका जो शब्द है बहुत जल के समान है। यहां मैं ज्यादा आपको इसमें वो चीजें नहीं बताऊंगा कि जल के समान। देखिए जहां आप अगर जल की आवाज को सुनेंगे तो जल की आवाज बड़ी अलग अलग तरीके से होती है। खास तौर से अगर रात के सन्नाटे में अगर आप पानी की आवाज को सुने तो पानी की आवाज का एक अपना वर्णन होता है। और इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका जो शब्द है वो अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से वर्णन कर रहा है वो अपनी बात को, अपने संदेश को पहुंचाने का। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के संदेश पहुंचाने का है कि अलग अलग तरीके से हम उस चीजों को महसूस करें। हम जब इस संसार में रहते हैं तो संसार की बहुत सी चीजों को क्या करें, महसूस करें कि क्या है। मैं जल के बारे में बताना चाहता हूं, पानी के झरने का शब्द अलग होता है जब आप उसको सुनेंगे, उमड़ती नदियों का शब्द अलग होता है, समुंदर की लहरों का शब्द जो है वो अलग होता है, और घमासान जब बरसात होती, मूसलाधार जब बरसात होती है तो उसका शब्द अलग होता है, और जब टिप टिप करके पानी बरसता है तो उसका शब्द जो है वो अलग होता है। और आपने देखा होगा बहुत से नाले में, बड़े बड़े नाले जो पहाड़ों पर जो होते हैं, मैं पहाड़ों के ये गंदे नालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ों पर जो हाँ पानी साफ आता है नालों की बात करेंगे, तो उस बहते हुए नाले में जो पानी है उसका शब्द जो होता है वो उसका अलग है। और आप घर की, आपके घर में टंकी है, आप टंकी खोल दीजिए, जब आप टंकी खोलेंगे तो उसके पानी गिरने का जो शब्द होगा वो अलग होगा। आप जब हैंडपंप चलाएंगे तो उस हैंडपंप के पानी का जो शब्द होगा वो अलग होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सारी चीजों को मैंने आपको बताया कि कैसे जो है पानी के अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी परमेश्वर का जो यहां लिखा है उसका शब्द बहुत से जल के शब्दों के समान। अब यहां बहुत से जल के शब्दों के समान का मतलब क्या है, दो चीजें समझिएगा। सबसे पहली चीज ये समझिएगा, बहुत से जल के शब्दों का समान यानी वो समुन्दर के जल की बात कर रहा, गर्जन के साथ जो बात हो रही है। और परमेश्वर अपना वचन हमेशा गर्जन के साथ जो है वो देता है। और जब बहुत से जल की बात करते हैं जो अथाह जल है, तो ये अथाह जल किस चीज का प्रतीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, बस एक पद पढ़ाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जो है उसको पढ़ लीजिए।
प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका सबसे पहले पहला पद पढ़ूंगा और फिर उसके बाद 15वां पद पढ़ूंगा। यहां लिखा है, जिन 7 सरदूतों के पास 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से पानी पर बैठी है, बहुत सा पानी। और यहां पर भी जो आया है उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। इसका मतलब क्या है? 15वां पद इसका मतलब बताता है। 15वें पद में लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिस पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। देखिए यहां पर क्या है, परमेश्वर का जो शब्द है वो हर एक जाति में, हर एक भीड़ में, हर एक भाषा के लोगों के बीच में गूंजता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग। चाहे वो किससे, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग शब्द जो है वो सुनाई देगा। परमेश्वर के वचन को लेकर, उसके वचन को लेकर जो है वो हमारे कानों में पड़ेगा। यानी जातियों के बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द है वो गूंजता है। यह है उस शब्द का अर्थ। क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इन चीजों को, हर छोटी सी छोटी बात को समझिए। प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक में आप बने रहिए और आपको पता चलेगा कि हर छोटी सी छोटी चीज भी जो है कितना महत्व रखती है हमारे जीवन में। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।